चलिए दोस्तों, इस डेस्कटॉप मॉनिटर के ऊपर मॉनिटर लाइट का यूज करके देखते हैं कि यार कितना फर्क पड़ता है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि यार मॉनिटर लाइट क्या है, तो वो ये वीडियो देख ले तो पता चल जाएगा, और जिनको पता होगा उनको ये पता चल जाएगा कि यार क्या मॉनिटर लाइट खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। अब यार जो लोग जल्दी में होंगे उनको मैं बता देता हूँ कि यार मॉनिटर लाइट क्या है। तो मॉनिटर लाइट का क्या सीन रहता है कि जब आप कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप का यूज़ कर रहे होते हैं रात में, तो आपको कंप्यूटर डेस्कटॉप को यूज़ करने के लिए अपने रूम की लाइटें ऑन करके रखना पड़ता है, या फिर डेस्क लैंप का यूज़ करना पड़ता है ताकि आपको डेस्क पे रखी हुई चीज़ें दिख सके, कीबोर्ड माउस आपको दिख सके, या फिर जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे होते हैं या फिर आप कुछ भी चीज़ नोट कर रहे होते हैं डेस्कटॉप के मॉनिटर को देख के, तो आपको लाइटों की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप अपने रूम में लाइटें ऑन रखते हैं या फिर आप डेस्क लैंप का यूज़ करते हैं, तो वो लाइटें आपके स्क्रीन पे पड़ती है, मतलब कि आपके मॉनिटर के स्क्रीन पे लाइटें चमक रही होती है। कभी कभी वो लाइटें आपकी आंखों में भी रिफ्लेक्ट होती है, तो वो डिस्टर्बेंस पैदा करती है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है, मॉनिटर पे आपको कहीं ना कहीं लाइटें दिख रही होती है, कहीं लाइटों के धब्बे दिख रहे होते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन है ये मॉनिटर लाइट। जब आप इस मॉनिटर लाइट का यूज़ कर रहे होंगे ना, तो आपको अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए स्पेशली कोई भी ट्रेडिशनल डेस्क लैंप या फिर रूम में कोई भी लाइटों को ऑन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी अनबॉक्सिंग तो मैंने इसके पहले भी किया हुआ, ये बेनक्यू ब्रांड की तरफ से स्क्रीन बार है जिसे मॉनिटर लाइट बोला जाता है। यदि आप इसके अनबॉक्सिंग वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी फटाफट से क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका यूज करके देखते हैं डेस्कटॉप के ऊपर यार कितना फर्क पड़ता है। बहुत ही मस्त बॉक्स पैकिंग के साथ आपको ये बेनक्यू की स्क्रीन बार प्लस मॉनिटर लाइट देखने को मिल जाती है। प्राइस 14,999 रुपए है, अमेजन पे आपको 13,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। पेटेंट क्लेम डेस्कटॉप डायल, और ये रही मॉनिटर लाइट। इस पेटेंट क्लेम को इस प्रकार से यहाँ पे सेट करना होगा, ये यहाँ पे अटैच हो चुका है, ये एडजस्ट भी हो जाता है इस प्रकार से। देन डेस्कटॉप डायल के इस टाइप सी वाले केबल को इस प्रकार से यहाँ पे लगा देना होगा। ये अभी हमारी मॉनिटर लाइट रेडी टू यूज हो चुकी है। ये जो डेस्कटॉप डायल, इसको आपको डेस्क के ऊपर रखना होगा, और ये जो आपको USB केबल मिल रहा है इसे आप अपने CPU के पोर्ट में या फिर आप मॉनिटर में यदि USB पोर्ट होगा तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ये पेटेंट क्लेम इस प्रकार से एडजस्ट भी हो जाता है, साथ ही में आप इस मॉनिटर लाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस डेस्कटॉप डायल में आपको यहाँ पर सेंसर देखने को मिल जाएगा, ये पावर बटन दी हुई है, और ये ब्राइटनेस कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट बटन है, कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट इंडिकेटर है, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट इंडिकेटर है, ऑटो डिमर मोड बटन दी हुई है, और यूज करने से पहले आपको इस प्रकार से इसे रिमूव करना होगा। तो दोस्तों, मैंने अभी मॉनिटर लाइट का कंप्लीट सेटअप करके मॉनिटर पर सेट भी कर दिया है। अब चलिए इसका यूज करके देखते हैं कि यार कितना फर्क पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने रूम से सारी लाइटों को ऑफ करना पड़ेगा, मतलब कि अंधेरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आपको इसकी लाइटें समझ आ पाएगी कि यार लाइटें कितनी आ रही है, कैसी आ रही है, क्या कहानी रहती है मॉनिटर लाइट की। क्योंकि यार थोड़ा कॉस्टली होता है ये, 12-13 हज़ार रुपये के आसपास इसकी कॉस्ट है, तो क्या इतना पैसा खर्च करना चाहिए या फिर नहीं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने जैसे ही डेस्कटॉप डायल की पावर बटन को प्रेस किया तो स्क्रीन बार हमारा ऑन हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, और कुछ इस प्रकार से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, आपको वॉल पे क्लियर दिख रहा होगा। ये ना ही आपके फेस पे पड़ने वाली है और ना ही आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन पे जाएगी। मैं डेस्कटॉप का स्क्रीन ऑन करता हूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे जो लाइट है वो कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है, और जो भी आप डेस्क पे रखे होंगे, यदि आप कुछ नोट कर रहे होंगे तो वो भी आपको क्लियर क्लियर दिखेगा। आपके कीबोर्ड पे जो कीज होगी वो भी आपको एकदम क्लियर दिखेगी, तो आपको एक्सटर्नल रूम की लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको टेबल लैंप यूज़ करने की ज़रूरत है जब आप इस मॉनिटर लाइट का यूज़ करेंगे तो। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि जब आप स्पेशली डेस्कटॉप कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए अपने रूम में लाइटों को ऑन रखते हैं, तो वो स्क्रीन पे कहीं कहीं चमक रही होती है, कहीं कहीं आपको लाइट के गोल धब्बे दिखाई दे रहे होते हैं, तो जब आप इस मॉनिटर लाइट का स्क्रीन बार प्लस का यूज़ करेंगे ना, तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको कोई हेडेक होगा। और यदि बात करें इस स्क्रीन बार प्लस के फीचर की, तो यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग मोड देखने को मिल जाएगा, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे अभी मैंने यहाँ पर मोड चेंज कर दिया है। तो दोस्तों, अभी आपने इस मॉनिटर लाइट की अनबॉक्सिंग भी देख लिया, कैसे यूज़ करना है, कैसे वर्क करती है, कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होता है, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। अब बात आती है कि यार ये मॉनिटर लाइट किसको खरीदना चाहिए, किसके बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जो यार बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करता होगा बंद कमरे में, जिसको कंप्यूटर यूज़ करते समय लाइटों की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप कंप्यूटर यूज़ करने के लिए टेबल लैंप का यूज़ करते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार की कोई भी लाइटों का यूज़ करते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप को यूज़ करने के लिए, तो वो सारी लाइटों को यूज़ नहीं करना पड़ेगा यदि आप इस मॉनिटर लाइट के साथ जाते हैं तो। और ये बेनक्यू ब्रांड की तरफ से मिलने वाला स्क्रीन बार है,
और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आपको ऑटो डिमिंग मोड देखने को मिल जाता है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो जाता है, आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, तो काफ़ी एडवांस फीचर दिए हुए हैं। और यदि आप इस मॉनिटर लाइट को ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और इस वाली मॉनिटर लाइट का फुल अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वाले वीडियो के भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।